आज की कहानी है अपनों की बातें, तो शुरू करते हैं ये कहानी। सुरेखा अपने पति देव, बेटे अर्जुन और बहू गीता के साथ अपने एक छोटे से घर में रहा करती थी। सुरेखा बहुत ही कंजूस किस्म की औरत थी। ऐसे ही एक दिन सुरेखा हाथों में सब्जी का थैला लेकर मार्केट जाने लगती है, तभी उसका पति देव सुरेखा से कहता है, अरे भाग्यवान, बाजार जा रही हो तो कुछ पतंगे ले आना, कल मकर संक्रांति है ना। तभी वहां सुरेखा की बहू गीता भी आ जाती है और वो अपनी सास से कहती है, और माँ जी साथ में दही, चूड़ा, गजक, रबड़ी, मूंगफली ये सब ले आना। पता नहीं कैसा पति, बहू और बेटा मिला है, हर समय पैसे को उड़ाने की सोचते रहते हैं। ये नहीं कि कुछ पैसे बचा लो और इन फिजूल के खर्चों को कम करो। अरे बहू, इन सब चीज की क्या जरूरत है, घर में बनाए तो है तिल के लड्डू, उन्हीं से काम चल जाएगा। ये बोलकर सुरेखा मार्केट जाती है और मार्केट से आते हुए देव और अपने बेटे के लिए कुछ पतंगे खरीद लेती है। घर आने के बाद कितने पैसे खर्च हुए सुरेखा उन सभी का हिसाब करने लगती है। तभी अर्जुन वहां आता है। माँ, पापा ने आपको पतंग लाने को कहा था ना, उनमें से कुछ पतंग देना, तो मैं पापा के साथ ऊपर पतंग उड़ाने जा रहा हूँ। अरे पर बेटा, वो पतंग तो तेरे पापा ने मकर संक्रांति के लिए मंगवाई थी, इसलिए कल ही उड़ाना, आज रहने दे। माँ, आपकी ये कंजूसी करने की आदत कभी नहीं जाएगी, आप मुझे पतंग दो, कल के हम कल देख लेंगे, मार्केट में पतंग खत्म नहीं हुआ है, अगर कम पड़ेंगे तो हम और ले आएंगे। अर्जुन के बोलने पर ना जाते हुए भी सुरेखा को पतंग देना पड़ता है और अर्जुन कुछ पतंग लेकर छत पर उड़ाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे पर उनकी पड़ोसन सुमित्रा आती है और सुमित्रा गीता के हाथ में कुछ तिल के लड्डू देती है, जिसके बाद गीता भी किचन में से कुछ तिल के लड्डू एक टिफिन में पैक करके सुमित्रा को देने के लिए जाने लगती है। तभी सुरेखा रसोई में आ जाती है और गीता के हाथों से टिफिन लेकर बोलती है, अरे बहू ये क्या कर रही है, टिफिन भर के लड्डू देना जरूरी है क्या। अब सुरेखा टिफिन के सारे लड्डू निकाल कर उसमें बस एक लड्डू रख कर टिफिन गीता को वापस कर देती है। आप ठीक है, ले आप जाकर ये टिफिन सुमित्रा को दे दे। पर माँ जी, उन्होंने हमें इतने सारे लड्डू दिए और हम उन्हें ये एक लड्डू देंगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे तो क्या हो गया, उनके घर में भी तो लड्डू बने हुए है ना, और अगर इसी तरह टिफिन भर भर के तू पड़ोसियों को लड्डू बांटने लगेगी तो सारे लड्डू खत्म हो जाएंगे, फिर तेरे ससुर और तेरा पति दोनों कहेंगे लड्डू तो तुमने दिया ही नहीं, अब हम अपने स्टाफ को क्या दे, इसलिए इतना ही काफी है, जा दे दे। एक काम कीजिए माँ जी, ये लड्डू आप खुद ही सुमित्रा आंटी को दे दीजिए, मैं नहीं जाने वाली। ये बोलकर गीता वहां से चली जाती है और सुरेखा खुद जाकर सुमित्रा को तिल के लड्डू का टिफिन देती है। सुमित्रा टिफिन देखकर हैरान हो जाती है और मन ही मन खुद से कहती है, इस कंजूस ने आज टिफिन में लड्डू दिया है, जरा टिफिन खोलकर देखूं तो। जैसे ही सुमित्रा टिफिन खोलकर देखती है उसमें एक लड्डू देखकर सुरेखा से कहती है, अरे बहन, इतने सारे लड्डू देने की क्या जरूरत थी, अब एक काम करो, ये लड्डू भी तुम ही रख लो, ठीक है मैं चलती हूँ, हैप्पी मकर संक्रांति। सुमित्रा सुरेखा के हाथों में लड्डू का टिफिन देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सुरेखा अपने कमरे में जाकर पतंगों को गिनने लगती है। तभी देव वहां आ जाता है। सुरेखा जल्दी से कुछ पतंग दो ना, मेरी सारी पतंग कट गई है। क्या, सारी पतंग कट गई? अरे तुम दोनों बाप बेटे पागल हो गए हो क्या, मकर संक्रांति कल है, पतंग कल उड़ानी है आज नहीं, पर तुम दोनों ने तो आज ही सारे पतंग उड़ा उड़ा कर खत्म कर दिए, अब नहीं है पतंग, जाओ। अरे भाग्यवान, तुम्हारी कंजूसी करने की आदत कब जाएगी, पतंग है तो पतंग लेकर ही आए हैं उड़ाने के लिए। हाँ तो पर कल उड़ाना ना पतंग, अब अर्जुन को भी नीचे बुला लो, खाना खाने का समय हो गया है वैसे भी। जिसके बाद सुरेखा के कहने पर देव अर्जुन के साथ नीचे आता है और सब खाना खाने बैठते हैं। खाना खाने के बाद गीता सबके लिए तिल के लड्डू लेकर आती है और सबको दो दो तिल के लड्डू दे देती है। ये देखकर सुरेखा अपनी बहू से कहती है, अरे ये सारे लड्डू आज ही खत्म कर देगी क्या, पहले तो सुमित्रा के लिए इतने सारे लड्डू पैक कर दिए और अब सबको घर में बांट रही है, अरे मकर संक्रांति कल है, कल कुछ नहीं करेगी क्या। माँ जी, अभी बहुत सारे लड्डू बचे हुए हैं, अगर उनमें से कुछ खा भी लिए तो क्या फर्क पड़ेगा।
अगर लड्डू कम पड़ गए तो तेरे ससुर जी और अर्जुन के ऑफिस में कहाँ से लड्डू जाएंगे? सोचा भी है तूने? अरे जानती है ना इन दोनों बाप बेटे को, मकर संक्रांति खत्म होते ही ऑफिस में सबको लड्डू बांटने का शौक है। माँ जी हद होती है कंजूसी की भी। ये बोलकर गीता वहां से अपने रूम में चली जाती है। सुरेखा भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन मकर संक्रांति का दिन होता है। सब लोग जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और मकर संक्रांति मनाने लगते हैं। कुछ देर बाद देव, अर्जुन और गीता पतंगबाजी के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद गीता सुरेखा के पास जाती है और कहती है, माँ जी आज के लिए पतंग खरीदी थी ना, अब तो आप हमें पतंग दे सकती है ना, ताकि हम छत पर जाकर पतंगबाजी कर सके। हाँ हाँ देती हूँ। ये बोलकर सुरेखा पतंग लेने के लिए जाती है, जहाँ उसने अपने दो पालतू तोतों को रखा होता है। उन तोतों को देखकर सुरेखा खुद से बोलती है, सबको पतंग उड़ाने की पड़ी है, पर कोई एक बार भी इन बेचारे पक्षियों के बारे में नहीं सोचता जो खुले आसमान में उड़ रहे होते हैं। पतंग उड़ाने की वजह से न जाने कितने पक्षी घायल हो जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पतंग उड़ाने के लिए सब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और अपनी सेफ्टी भी कर लेते हैं ताकि उन्हें चोट ना लगे, पर पक्षियों के बारे में कोई नहीं सोचता। ये बोलकर सुरेखा सारे पतंग लाकर गीता को दे देती है। तभी वहां देव और अर्जुन आते हैं और कहते हैं, क्या कर रही हो गीता, हम कब से तुम्हारा छत पर इंतजार कर रहे हैं और तुम हो जो पतंग लेकर नीचे खड़ी हो। अच्छे से तैयारी कर लेना। हाँ हाँ भाग्यवान, पूरी तरह से तैयारी कर ली है, कुछ नहीं होगा हमें अब, चलो अब। मैं आप सबकी नहीं, उन मासूम पक्षियों की बात कर रही हूँ जो बोल भी नहीं सकते। न जाने आज कितने मासूम पक्षी इन पतंग के मंझों से घायल हो जाएंगे। आप लोगों का क्या है, आप तो मजे कर लेंगे, पूरे दिन पतंग उड़ा लेंगे, पर जान से हाथ कौन गवाएगा ये पक्षी। आप लोगों को एंजॉय करना है, पतंग उड़ाना है, जाओ जाओ भाई आप। सुरेखा की बातें सुनकर तीनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर पतंग नीचे रख देते हैं। गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने सही कहा, हमारी वजह से आज के दिन पता नहीं कितने निर्जीव पक्षी घायल हो जाते हैं, वो अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। आपने आज मेरी आंखें खोल दी, मैं आज ये पतंग नहीं उड़ाऊंगी, बाकियों को उड़ाना है तो उड़ा सकते हैं। सुरेखा तुम भले ही कंजूस हो, पर आज तुमने हम सबको एक बहुत अच्छी सीख दी है, इसलिए आज से हम लोग भी पतंग नहीं उड़ाएंगे और ऐसे ही मकर संक्रांति मनाएंगे। सही कहा पापा, हम हमेशा अपना मजा पहले सोचते हैं, लेकिन कभी उस मजे में किस तरह इन बेजुबानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो नहीं सोचते, पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद गीता, देव और अर्जुन पतंग नहीं उड़ाते और उसकी जगह परिवार के साथ समय बिताना, छत पर बैठकर दूसरे लोगों को देखना और पड़ोसियों के साथ गप्पे लगाना, गेम्स खेलना और इस तरह दिन का मजा लेना जारी रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।